पैदल जाने का रास्ता लोगों ने कैसे बनाया है काट के, ये लकड़ी का पुल है और ये पैदल जाने का रास्ता, ये कि कोई गांव है ऊपर तो ऐसे लोग जाते हैं यहाँ पे। और हम लगभग पहुँचने वाले हैं, निकलने वाले हैं यहाँ से बाहर। तो गाइस 5:15 हो गए हैं और हमें मेटल रोड मिल गई है देखो, और ऑफ रोडिंग अब हमारी यहाँ पे ख़त्म हो गई है, आज की ऑफ रोडिंग ख़त्म हो गई है, आगे पता नहीं कितनी आएगी। और क्या बोल रहा था, हाँ मेरे फ्यूल 3 पॉइंट रह गए हैं, 3 पॉइंट यानी 100 किलोमीटर चल सकता हूँ मैं अभी, देखते हैं कहाँ तक पहुँचती है। वैसे 5 लीटर मेरे पास एडवांस पड़ा हुआ है स्पेयर, जो अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया, टांडी में मैंने भरवाया था और कल शाम को मैंने पेट्रोल भरवा लिया था, उसके बाद मैं करसा मोनेस्ट्री गया और सनी विलेज गया, इसलिए थोड़ा पेट्रोल मेरा ज़्यादा यूज़ हो गया, थोड़ा 20-25 किलोमीटर मैं एक्स्ट्रा चल चुका था खाली। वांगला यहाँ से 2 किलोमीटर रह गया है और वांगला से पहले 13 किलोमीटर तक ये पूरी मेटल रोड है और उसके बाद पूरी ऑफ रोडिंग है। वांगला मोनेस्ट्री ऊपर मोनेस्ट्री है, तो ये है वो वांगला विलेज, यहाँ पे आप रह सकते हैं, खा पी सकते हैं, होम स्टे भी है यहाँ पे, हिमालय होम स्टे। वांगला में बहुत सारे लोग रुकते हैं यहाँ पे। और ये आ गया वांगला, ले वांगला फुटोस्कर, फुटोस्कर, फुटोस्कर। तो हम श्रीनगर लेह हाईवे पे पहुंच गए हैं, लांगा यूरू विलेज जो लास्ट विलेज है उसके साथ ही ये शुरू हो जाता है लेह, अपना श्रीनगर लेह हाईवे। और ये देखिए क्या नज़ारे हैं, बहुत ही ख़तरनाक नज़ारे हैं यार। क्या करना है, उधर ऊपर तो खलसी में आ गए हैं और यहाँ पे रैपिड टेस्ट होगा हमारा और उसके बाद ही आगे घुसने दिया जाएगा। तो गाइस अभी खलसी में है, सामने मेरा अभी रैपिड टेस्ट हुआ है, अभी रिपोर्ट आनी है, तो हम तीनों का रैपिड टेस्ट हो चुका है, अभी देखते हैं रिपोर्ट मिलेगी फिर हम निकलेंगे आगे। अभी 87 किलोमीटर है यहाँ से ले, अभी 2 घंटे हमें लगने हैं ले जाने के, उसके बाद हमने रूम ढूंढना है, तो देख कोई भी मतलब कि डीसी ऑफिस के आसपास देखेंगे, क्योंकि सुबह उसकी हमें परमिट भी लेने हैं कल, फिर उसके बाद कल हम निकलेंगे खरदुंगला के लिए, ठीक है। अभी जैसी रिपोर्ट होगी हम निकल, हमने खलसी से अंदर एंटर कर लिया है, हमारी जो रिपोर्ट थी वो नेगेटिव आई है तीनों की, क्योंकि जंस्कार में भी नेगेटिव रिपोर्ट आ चुकी है, तो RT-PCR में भी नेगेटिव थी तो नेगेटिव ही आएगी। तो अभी हमने एक पेट्रोल पंप ढूंढना है और पेट्रोल डलवा लेते हैं, क्योंकि मेरे सिर्फ 2 पॉइंट रह गए और अमित यादव भाई के रिजर्व में चल रही है बाइक,
बाकी इस रूट पे तो बहुत पेट्रोल पंप मिलेंगे हमें, और 2 आवर्स में हम ले में एंटर कर जाएंगे 2 आवर्स में। पेट्रोल फिल करवा लिया है, लास्ट हमने पदुम में डलवाया था और अब खलसी में 953 में हम पदुम से खलसी आ चुके हैं और 7 बज चुके हैं और 9 बज जाएंगे वहाँ पहुँचते पहुँचते। और 3 साल बाद दोबारा लद्दाख आना बहुत ही सुखदायक लग रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। 2018 में आया था मैं बाइक ट्रिप पे जून में, अब जुलाई है 2021 और ये समय बिल्कुल अलग समय है। यहाँ पे कोरोना की मार है, नहीं तो यहाँ पे आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलती, इतना टूरिस्ट होता है इस समय। तो गाइस समय हुआ है 7:50 और हम निम्मू में पहुंच गए हैं और अंधेरा हो रहा है, लगभग हो चुका है अंधेरा और हम मैग्नेटिक हिल की तरफ बढ़ रहे हैं। देखें जब तक पहुंचे अंधेरा हो ही जाएगा। लास्ट टाइम भी मैं 2018 में आया था तब भी इसी समय मैं मैग्नेटिक हिल पहुंचा था, तब भी ज़्यादा देर नहीं बैठे थे वहाँ पे। लेट 37 थिस्के 56 चांगला, काफ़ी मतलब इम्प्रूवमेंट हुई है यहाँ पे। ये आयरन ब्रिजेस पहले नहीं थे, 2018 में नहीं थे, ये अभी बने हैं। बहुत सारे ब्रिज में देखें सारे नए बने हैं और ये रोड भी बिल्कुल एकदम नई बनी है इसको। बिल्कुल ही नया पन लग रहा है यहाँ पे कि मुझे पिछला कुछ भी याद नहीं कि रोड कौन सी थी कैसी थी। ये स्तूपास, प्रेयर व्हील, ये तो हर जगह हर गांव में मिलता है प्रेयर व्हील और स्तूपास। चलो रात को 8-9 बजे तक हम पहुंचेंगे ले। भाई अभी बहुत पीछे है हमारे, मैंने जल्दबाजी करी ताकि मैं टाइम से पहुंचूं मैग्नेटिक हिल पे, लेकिन वही अंधेरा हो गया है। तो गाइस ये है संगम पॉइंट, जलस्कार संगम पॉइंट, यहाँ पे राफ्टिंग वगैरह भी होती है, ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है यहाँ पे नीचे, ये आगे से घूम के जाना पड़ेगा आपको। तो चलते हैं आगे मैग्नेटिक हिल की तरफ। ले अभी भी 32 किलोमीटर है और लगभग 45-50 मिनट लग जाएगा अगर नहीं रुकेंगे। अगर रुके तो भाई फिर तो कोई कुछ ही नहीं कह सकते, 1 घंटा भी लग जाए सवा भी लग जाए। तो गाइस ये है मैग्नेटिक हिल, लेकिन अंधेरा हो चुका है इस वजह से यहाँ कुछ ज़्यादा देखने को है नहीं अब। और योगिंदर भी आगे जा चुका है, मैं पीछे रोक की थी तेरे को आवाज भी दे रहा हूँ, तू पता नहीं किस मस्ती में चल रहा है। तो इंडिकेटर नहीं देखे बाइक के, मैंने इंडिकेटर स्पेशल जला रखे थे। वो मैग्नेटिक पीछे हिल था ना वहां पे बैठ खड़ा था मैं। ओए पत्थर साहिब गुरुद्वारे से हम निकल पड़े हैं और अभी सीधा जा रहे हैं ले को। 8:30 का समय हो चुका है,
अभी भी मोर देन 45 मिनट लगने वाले हमें। तो अब सीधा आपको लेह में मिलेंगे, अंधेरा हो चुका है और दोनों बाइक हमारी आगे जा रही हैं। अब मिलते हैं आपको सीधा लेह में। तो गाइस लेह में आपका स्वागत है, हम पहुंच गए हैं लेह। ये देखिए स्तूपा, और इस समय मार्केट ऑलमोस्ट बंद हो चुकी है। तो ये मार्केट है लेह की, हम एंटर कर गए हैं मार्केट के अंदर, और ये वन वे लिखा हुआ था बाहर तो। और यहाँ पे दुनिया भर के होटल रेस्टोरेंट मिल जाएंगे आपको। बहुत चेंज हो गया यार, बहुत ही खूबसूरत बन गया है लेह, बहुत कमर्शलाइजेशन हो गया है। हम पहुँच गए थे लेह में करेक्ट 9 बजे, और जिक जिक हॉलीडे होम्स है यहाँ पे, गेस्ट हाउस है, तो वहाँ पे हमने रूम चेक इन कर लिया है और पूरा लगेज लगा लिया है और एक्स्ट्रा बेडिंग ले लिया है। तो मैं आपको रूम दिखा देता हूँ। ये देखिए ये है हमारा रूम, और करेक्ट हम 9 बजे लेह में एंटर कर गए थे और 9:30 हमने चेक इन कर लिया था। और कल का प्रोग्राम ऐसा है कि कल हमने पहले परमिट बनवाने हैं, और टाइम कितना लगेगा ये नहीं पता अभी। और अमित भाई को अपनी बाइक अभी ठीक करवानी, मिसिंग मार रही है काफ़ी। आज का ब्लॉग हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो गाइस राइड हार्ड राइड सेफ, वंदे मातरम एंड जय हिंद। तो कोई भी मेरा नया व्यू सब गाइस अपना सब्सक्राइब जरूर करना भाई। ओके बाय बाय।